मध्य प्रदेश 3 अप्रैल 2020 शुक्रवार, मध्य प्रदेश की आज की ताजा खबर। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताजा खबर के विषय में, जो निकल के आ रही है दिनांक 3 अप्रैल 2020 शुक्रवार से। कौन कौन सी खबरें हैं और क्या बड़ी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें और ऐसे ही लोगों तक शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो निकल के आ रही है जनधन खाता धारकों के लिए अच्छी खबर। कल अर्थात आज से जमा होंगे 500 रुपये। दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच गरीबों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार जनधन योजना के महिला बैंक खाताधारकों के खाते में 500 रुपये जमा कराएगी। यह राशि आगामी 3 माह तक जमा की जाएगी। इसकी शुरुआत आज अर्थात 3 अप्रैल से होगी। इस संबंध में राज्य स्तरीय के बैंकर समिति ने सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने सभी के बैंकर्स को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशि का वितरण बैंक करेंगे। इसके लिए बैंकों के खुलने का समय भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया है। बैंकों पर भीड़ ना हो इसके लिए अलग अलग दिन खाता नंबर्स के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। बैंक खातों में यह राशि आज सुबह जमा हो जाएगी। इसी दिन अलग अलग बैंकों में से राशि बैंक वितरण की भी शुरू कर दिया जाएगा। देश में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को पैसा पहुंचाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जनधन खाताओं में अगले 3 महीनों तक प्रत्येक महीने 500 रुपये डालने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद देश के करीब 20 करोड़ महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पहली किस्त 3 अप्रैल को खाताधारकों के अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है। पीएम मोदी आज सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ साझा करेंगे वीडियो मैसेज। दोस्तों देश में कोरोना वायरस को लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार सतर्क हैं। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारियां ली थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर सूचना दी है कि वे शुक्रवार को सुबह 9 बजे एक छोटा सा वीडियो मैसेज करके अपने देशवासियों के लिए जारी करेंगे। देश में 21 दिनों का लॉकडाउन और लगातार बढ़ने कोरोना के इस एक नए मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी आज शुक्रवार की सुबह 9 बजे वीडियो संदेश देंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो में क्या होगा, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी एक बार फिर कोरोना को लेकर देशवासियों से अपील कर सकते हैं। अब तक पीएम कई बार देशवासियों से अपील कर चुके हैं। अब तक पीएम कई बार बड़े फैसले ले चुके हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधित में कोरोना वायरस के चलते देश को 21 दिनों तक लॉकडाउन करने का आदेश ऐलान किया था। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि था कि जो यहाँ है वहीं रहे, ये लॉकडाउन आपके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अब तक 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पीएम ने एक बार कोरोना वायरस के चलते 1 दिन का जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, जबकि दूसरी बार उन्होंने 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक देश में जारी रहेगा। पीएम ट्वीट के माध्यम से भी लॉकडाउन को लेकर जनता से अपील कर चुके हैं। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है उज्ज्वला योजना से। उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर का पैसा किसके अकाउंट में कब आएगा? दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए निर्धन नागरिकों को मदद करने के लिए अगले 3 महीनों का रसोई गैस फ्री देने का घोषणा किया है। लेकिन रसोई गैस सिलेंडर का वितरण करने वाली गैस एजेंसी इसे फ्री में डिलीवर नहीं करेगी। वह हितग्राहियों से सिलेंडर की पूरी कीमत लेकर आ जाएगी। सरकार की तरफ से हितग्राहियों के बैंक अकाउंट में सिलेंडर का पैसा क्रेडिट किया जाएगा। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वह अपने यहाँ महिलाओं के जनधन खाते में 3 मार्च से
₹500 हर महीने डालना शुरू कर देंगे। इसी महीने हर यह रकम महिलाओं के खाते में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच डाल दी जाएगी। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक यो महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने ₹500 की राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मदद में दी जाएगी। खाताधारकों के अकाउंट में पैसे उनके अकाउंट नंबर के आखिरी 3 अंक के अनुसार अलग अलग दिन डाले जाएंगे ताकि किसी तरह की गड़बड़ ना हो। किस हितग्राहियों के बैंक खाते में कितने पैसे और कितनी तारीख को जमा होंगे? दोस्तों आपको बता दें कि जिन खाताधारक जनधन खाताधारकों की आखिरी अंक 0 या 1 है उसे खाते में 3 अप्रैल को पैसा डाल दिया जाएगा। जिन जनधन खातों की आखिरी संख्या 2 या 3 है उसे खाते में 4 अप्रैल को पैसा डाले जाएंगे। जनधन खातों की आखिरी अंक 4 या 5 है उसे खाते में 7 अप्रैल को पैसा डाले जाएंगे। जिन जनधन खातों की संख्या अंक आखिरी के 6 या 7 हैं उसे खाते में 8 अप्रैल को पैसा डाले जाएंगे। अंत में जिस जनधन खाते की आखिरी अंक 8 या 9 है उसे खाते में 9 अप्रैल को पैसे डाल दिए जाएंगे। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने ₹500 डाले जाएंगे। कुल जनधन खाते में 53% महिलाओं के नाम है। इस तरह से करीब 20 करोड़ महिलाओं को अब इसका सीधा लाभ मिलेगा। आइए बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। सीएम सर, क्या कोरोना ड्यूटी में सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा? दोस्तों माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय, खुलाखत मुख्यमंत्री के नाम पर दिया गया मध्य प्रदेश शासन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक संपूर्ण भारत में लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा COVID-19 नोवेल कोरोना वायरस के बचाव एवं उसके रोकथाम के उपाय के तहत उन्हें यथोचित सहायता पहुंचाने की दृष्टि से श्रमिकों के सर्वेक्षण का एक एवं अन्य कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत शासन द्वारा अस्थायी संविदा आउटसोर्स एवं मजदूरी के कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को इस कार्य एवं अन्य कार्यकाल कार्य करने हेतु कार्यकाल में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिए गए हैं एवं इन कार्य करने वाले कर्मचारियों के भविष्य के बारे में भी किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे सभी के परिवार का पालन पोषण हो रहा है। यदि उक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण होता है तो उनके परिवार की स्थिति क्या होगी, इसका कोई मापदंड शासन द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि नियमित कर्मचारियों का शासन द्वारा कई सुविधाओं निर्धारित की गई हैं। अस्थायी संविदा आउटसोर्स एवं मजदूरियों से कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों से कोरोना खिलाफ कार्य तो लिया जा रहा है, परंतु यदि कोई कर्मचारी कार्य के दौरान इस गंभीर बीमारी से संक्रमित हो जाता है एवं उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई राशि शासन द्वारा नहीं भुगतान की जाएगी, तो जो कि उक्त कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। अंततः मध्य प्रदेश शासन कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ मीडिया प्रभारी नितेश पंवार ने मध्य प्रदेश के समस्त कंप्यूटर ऑपरेटरों के हित में शासन से मांग करता है कि सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को भी नियमित कर्मचारियों की तरह उन्हें लाभ दिया जाए। लेकिन नितेश पंवार का जो कि मीडिया प्रभारी है मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के। आई बढ़ते आगे बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। कोरोना के कहर के बीच भी कांग्रेस में इस्तीफे का दौर जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि 2019 के धार लोकसभा चुनाव के से चुनाव में प्रत्याशी रहे दिनेश गिरवार ने कांग्रेस से अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ बदनावर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को थोक में इस्तीफे दिए हैं। कांग्रेस के विधानसभा प्रवक्ता रहे मनोज सोलंकी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता ज्योतिराज सिंधिया व विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी की पार्टी में हुए अवहेलना एवं अपमान को देखते हुए मन बड़ा दुखी है। आहत होकर हमने कांग्रेस पार्टी के समस्त पदों एवं प्राथमिक सदस्यता से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे की जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी मेल कर दी गई है। कमलनाथ को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि हमारे त्याग पत्र तत्काल स्वीकृत किए जाएं। इस्तीफा देने वाले में दिनेश गिरवार लोकसभा प्रत्याशी धार महू क्षेत्र
विक्रम पटेल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बदनावर, विजय सिंह पवार विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस बदनावर, आत्माराम जाट प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस और धर्मेंद्र सिंह नथावत पूर्व विधायक प्रतिनिधि और मनोज सोलंकी कवि कांग्रेस विधानसभा प्रवक्ता व आईटी सेल विधानसभा अध्यक्ष बदनावर, संजय राठौर नागदा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष युवक कांग्रेस बदनावर, राजेश राधेश्याम पाटीदार मंडल अध्यक्ष तिलगारा, अशोक राठौर सेक्टर अध्यक्ष मुल्तान, शिवनारायण पटेल जाबड़ा दो बोरदा सेक्टर अध्यक्ष, रामेश्वर पाटीदार तिलगारा सेक्टर अध्यक्ष और रमेश जटा जमादार भोंसले सेक्टर अध्यक्ष हैं, जो कि दिलीप पटेल छायन सेक्टर अध्यक्ष व महेंद्र गोपाल कांग्रेस नेता मुल्तान आदि शामिल थे। सोलंकी ने बताया कि आगामी दिनों में और भी कार्यकर्ता अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। दर्शकों की जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताजा खबर जो निकल के आ रही दिनांक 3 अप्रैल 2020 शुक्रवार से, तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। आज के वीडियो में बताएं हम फिर आज तक नए विषय के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।